मोबाइल चार्ज करने का सही तरीका। बहुत लोग अपने मोबाइल की बैटरी से परेशान रहते हैं। वो मोबाइल तो खरीद लेते हैं लेकिन अपने मोबाइल की बैटरी को कैसे चार्ज किया जाए ताकि उसकी लाइफ बनी रहे ये नहीं जानते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि बैटरी की लाइफ कैसे बनाएं और मोबाइल की बैटरी चार्ज करने का सही तरीका क्या है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू हो उससे पहले जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो देखने के लिए इस घंटे को जरूर दबाइए। स्मार्टफोन को धूप से बचाने पर बैटरी खराब नहीं होगी। मोबाइल या स्मार्टफोन को धूप से बचाकर रखना चाहिए। ऐसा करने से आप अपने फ़ोन को जब चार्ज करेंगे तो ये आपका फ़ोन बार बार गर्म नहीं होगा और हो सके तो जब भी बाहर निकले तो अपने फ़ोन को पॉकेट या जेब में रख कर निकलें ताकि बाहर की गर्मी आपके फ़ोन पर डायरेक्ट इफेक्ट ना करें, और हो सके तो किसी कपड़े से ढक कर रखें ताकि आपका फ़ोन कूल रहे। ऐसा करने से आपकी बैटरी जल्दी ख़राब नहीं होगी और आपकी बैटरी की लाइफ भी बनी रहेगी। और फ्रेंड्स अपने स्मार्टफोन को हमेशा धूप से बचाकर रखना चाहिए। सही तरीके से बैटरी चार्ज करें। लोग अपने स्मार्टफोन की बैटरी को लेकर ज़्यादा परेशान रहते हैं। इसमें फ़ोन की नहीं स्मार्टफोन यूजर्स की गलती होती है क्योंकि लोग अपने स्मार्टफोन की बैटरी को चार्ज करना सही तरीके से नहीं जानते हैं। लोग अपने स्मार्टफोन की बैटरी को मनचाहे तरीके से चार्ज करते हैं जिससे कि उनकी बैटरी बैकअप कम होने लगती है। तो ऐसा करने से हमेशा आपको बचना चाहिए, हमेशा सही तरीके से अपने फ़ोन को चार्ज करते रहना चाहिए ताकि आपकी बैटरी की लाइफ बनी रहे। मोबाइल ज़्यादा देर तक चार्ज पे ना लगाएं। अक्सर लोग रात को मोबाइल को चार्ज पे लगाकर छोड़ देते हैं और सुबह बैटरी जो है 100% फुल चार्ज हो जाती है। ऐसा करने से आपके स्मार्टफोन की मोबाइल की बैटरी पर बुरा प्रभाव पड़ता है और ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपकी स्मार्टफोन की बैटरी की बैकअप जो है कम होने लगती है और आपके स्मार्टफोन की बैटरी की लाइफ कम हो जाती है। तो आप अक्सर जो है ऐसा करते हैं तो ऐसा करने से आपको बचना चाहिए। 100% चार्जिंग जरूरी नहीं, हमें कोशिश करनी चाहिए कि फ़ोन को चार्जर से 100% कंप्लीट होने से पहले ही अलग कर देना चाहिए। ऐसा करने से आपके फ़ोन की बैटरी लाइफ बनी रहेगी। अगर आप अपने फ़ोन को बार बार 100% चार्ज करते हैं तो आपकी फ़ोन की बैटरी लाइफ कम हो सकती है और आपकी फ़ोन की बैटरी भी ख़राब हो सकती है क्योंकि आपके फ़ोन की बैटरी लिथियम ऑयल की बनी होती है और इसे बार बार फुल चार्ज करने पर लिथियम ऑयल पदार्थ जो है ख़राब हो जाता है और आपकी फ़ोन की बैटरी ख़राब हो सकती है। तो आपको अपने फ़ोन को 100% कभी भी चार्ज नहीं करना चाहिए। फ़ोन कवर हटाएं। आजकल मार्केट में तरह तरह के फ़ोन कवर का ट्रेंड चल रहा है। लोग अपने फ़ोन को सेफ्टी देने के लिए तरह तरह के फ़ोन कवर का इस्तेमाल करते हैं लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये फ़ोन कवर आपके फ़ोन की जो है बैटरी को ख़राब कर सकते हैं क्योंकि जब आप अपने फ़ोन को चार्ज करते हैं तो ये फ़ोन कवर आपके फ़ोन की गर्मी को बाहर नहीं निकल देते हैं जिससे आपका फ़ोन जो है आपकी बैटरी को गर्मी देता है और आपकी बैटरी बैकअप कम हो जाती है। तो जब भी आप अपने फ़ोन को चार्ज करें तो मैक्सिमम कोशिश करें कि अपने फ़ोन को कवर से अलग कर दें ताकि आपके फ़ोन की गर्मी जो है बाहर निकले जिससे कि आपका फ़ोन कूल रहे। तो ऐसा करके आप अपने फ़ोन की बैटरी की लाइफ को बढ़ा सकते हैं। तो ऐसा करने से आपका फ़ोन कूल भी रहेगा और चार्जिंग भी अच्छे से होगा। तो जब भी चार्ज करें तो अपने फ़ोन को फ़ोन कवर से अलग करके ही चार्ज में लगाएं। केवल अपने फ़ोन कंपनी के द्वारा दिए गए चार्जर का ही इस्तेमाल करें। जी हाँ दोस्तों, जब आप कभी रिलेशन में जाते हैं, किसी दोस्त के पास जाते हैं तो वहाँ आपको चार्जर न मिलने की वजह से आप अपने फ्रेंड या रिलेशन में किसी का चार्जर लेके अपने फ़ोन को चार्ज करने लगते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपके फ़ोन की बैटरी ख़राब हो सकती है क्योंकि आपके फ्रेंड या रिलेशन में किसी का जो चार्जर होगा वो आपके फ़ोन की बैटरी के सूटेबल ना होने की वजह से वो आपके फ़ोन की बैटरी को ख़राब कर सकता है। तो हमेशा अपने फ़ोन के कंपनी के द्वारा दिए गए चार्जर का इस्तेमाल करें अपने फ़ोन को चार्ज करने के लिए। तो दोस्तों ये रही कुछ खास टिप्स जो कि आपको मैंने बताया कि आपके स्मार्टफोन की बैटरी को कैसे चार्ज करना चाहिए। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए क्योंकि फ्रेंड देवजी टेक्निकल चैनल पे आपको ऐसे ही टिप्स और ट्रिक्स मिलते रहते हैं देखने को। और फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो आपको स्क्रीन पे हमारा यूजर आईडी दिख रहा होगा इंस्टाग्राम पे, तुरंत जाइए इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिए क्योंकि वहाँ पे भी मैं टिप्स और ट्रिक्स ऐसे ही बताता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स जुड़ जाइए इंस्टाग्राम पे देवजी टेक्निकल के साथ। और फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे आपको एक लाल कलर की सब्सक्राइब बटन दिखाई देगी, वहाँ पे क्लिक कीजिए, देवजी टेक्निकल चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और फ्रेंड्स हो सके तो बेल को भी दबा दीजिएगा ताकि मैं जो फ्यूचर में वीडियो डालूँ मेरी आने वाली वीडियो आपको ऑटोमेटिक उसका नोटिफिकेशन मिल जाए ताकि आप मेरी अगली वीडियो भी देख पाएँ। तो फ्रेंड्स ये रही कुछ खास टिप्स जो कि आपके स्मार्टफोन को कैसे चार्ज करना चाहिए ये मैंने आपको बता दिया। तो फ्रेंड्स मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में कैसे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो लेकर। तब तक के लिए आप जहाँ पर रहें खुश रहें, देखते रहें, सीखते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।